सुप्रभात बच्चों, आज हम पार्ट 2 वर्ण विचार के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने पढ़ा भाग 1 में वर्ण में उसके भेदों के बारे में, स्वर व्यंजन के बारे में, स्वरों के वर्गीकरण को 3 आधार, परंपरागत स्वर, नवविकसित स्वर और आगत स्वर, स्वरों का प्रयोग 2 रूपों में होता है, स्वतंत्र रूप में और मात्रा के रूप में। व्यंजन वर्णों को सामान्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। आज हम भाग 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। 2 भिन्न व्यंजनों यानी कि अलग अलग व्यंजनों के योग से, योग मतलब मिलाने से जो नया व्यंजन की रचना होती है वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं, 4। कौन कौन से हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श। ये अक्ष, त्र, ज्ञ, श किन किन व्यंजनों के योग से बने हैं। अक्ष बना है क प्लस श, त प्लस र से त्र, ज्ञ बना है ज प्लस अन से, श बना है श प्लस र से। अब इन संयुक्त व्यंजनों से बने हुए शब्द, जैसे अक्ष वर्ण से बने हैं रक्षक, भिक्षु, त्र मात्रा, पात्र, ज्ञ से बनने वाले शब्द जैसे संज्ञा, विज्ञान, श से मिलने वाले श्रम, श्रवण। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व यानी कि एक व्यंजन का 2 बार प्रयोग होना। जब एक स्वर रहित व्यंजन अपने समरूपी, समरूपी यानी कि अपने समान स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, अर्थात जब एक स्वर रहित व्यंजन और वही अपने समरूपी स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, जैसे इसमें च है जो स्वर रहित है और ये च क्या है, स्वर सहित है, तो ये व्यंजन क्या कहलाएगा, द्वित्व व्यंजन। इसी तरह से पक्का में क जो है स्वर रहित है और क जो ये वाला क है ये स्वर सहित है, तो इसलिए पक्का क्या हुआ, द्वित्व व्यंजन। सम्मान, इसमें म और म स्वर रहित और स्वर सहित का मिलान किया गया है, योग किया गया है, इसलिए ये किसमें आएंगे, द्वित्व व्यंजन में। व्यंजनों का वर्गीकरण, अब व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। इसमें अब उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार, अब प्रयत्न के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा गया है। देखो, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार की, जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्र में जो कंपन होती है तो उसके आधार पर व्यंजनों का वर्णन। श्वास की मात्रा यानी कि किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी श्वास की मात्रा कम निकलती है अर्थात ज़्यादा निकलती है तो उसके आधार पर भी व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। प्रयत्न, श्वास के अवरोध यानी कि श्वास में जो रुकावट आती है उसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम पहले आधार अर्थात उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब उच्चारण स्थान यानी कि जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो है किस किस मुख के किस किस भाग का प्रयोग होता है उसके आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया। नंबर 1 है कंठ, कंठ यानी कि कंठ। कंठ में देखो हमने जो 5 वर्ग बनाए थे स्पर्श व्यंजन में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो उसी में जो क वर्ग है क ख ग घ ण, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ माना जाता है। और जो उष्म व्यंजन है उसमें से ह, तालव्य, तालु, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो है तालु की तरफ मुड़ती है तो वे तालव्य कहलाते हैं। जैसे च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो तालव्य के अंतर्गत आते हैं, च, छ, ज, ज, अन। और ये देखो य और श, य क्या है, हमारा अंतस्थ व्यंजन का पहला वर्ण है और ये उष्म व्यंजन का श, तो ये भी तालव्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य में ट वर्ग आता है, ट, ठ, ड, ढ, ण और अंतस्थ का र और उष्म का श। इसी तरह से दंत्य, दंत्य यानी कि जब हमारी जीवा जो है दांत को छूती है,
स्पर्श करती है, त थ द ध न, और इधर से हमारे अंतस्थ व्यंजन से लिया हमने ल और उष्म व्यंजन से लिया हमने स। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो है हमारे दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए जो ये वर्ण इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत्य माना जाता है। ओष्ठ है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे होंठ का प्रयोग किया जाता है, जैसे प फ ब भ और म, तो ये ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। नासिका, नासिका यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा जो हमारे नाक से निकलती है, तो इसमें ये भी है जो प्रत्येक वर्ण का जो पंचम वर्ण है, हमारे जो पांच वर्ग बनाए गए हैं क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग, इनका जो पंचम वर्ण है अण 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 न म, इन सब का उच्चारण स्थान नासिका है। दंतोष्ठ है दंत और ओष्ठ यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दांत और ओष्ठ का प्रयोग होता है तो वह दंतोष्ठ कहलाते हैं। जैसे व का उच्चारण करते समय हमारे दांत जो है ओष्ठ पर स्पर्श करते हैं।